आज फिर आलू की सब्जी? तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या आलू के साथ? कभी कुछ और भी ले आया करो। हाँ, तुम्हारे तो घर भी कोई नहीं आता होगा, है ना? ऐसा क्यों? अरे, ये सबको आलू ही तो ऑफर करती होगी। पसंद है मुझे, बस इसलिए लाती हूँ। पसंद है तुम्हें इसलिए लाती हो? हाँ, या फिर कुछ और खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि पहले तो तुम सिर्फ आलू की सब्जी रोज लेकर आया करती थी, अब तो तुम रोज कपड़े भी एक ही पहन कर आती हो। तुम्हें पता है कि हमारे ऑफिस के प्यून्स भी तुमसे बेटर हैं, वो भी अपने लंच में वैरायटी लेकर आते हैं। चल, एंजॉय करने दे इसे, अपना आलू प्लैटर। होए, हाँ, तुझे देख के ना मुझे कुछ याद आया। मेरे घर के पास एक ठेला पड़ा हुआ है, तो वो क्यों नहीं ले लेती? क्यों? अरे, उसपे आलू बेचना ना, तेरा फेवरेट डिश है, राइट? और वैसे भी अपने इन गंदे कपड़ों में ना तो आराम से रोज आलू का ठेला लगा सकती, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। हाँ। श्वेता, श्वेता, तुमने कल भी तो यही सैंडल पहने थे ना? यस सर। क्यों, तुम्हारे पास और सैंडल नहीं है क्या? सर, क्या हो गया अगर मैंने आज भी वही सैंडल पहने हैं जो मैंने कल पहने थे? ये सैंडल मुझे काफी अच्छे लगते हैं सर, और ये कंफर्टेबल भी हैं। श्वेता, तुम सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हारे पास ये एक ही जोड़ी सैंडल है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गरीब हो या कंजूस हो। तुम्हें इतनी सैलरी तो मिलती है कि कम से कम 3-4 जोड़ी सैंडल ही अफोर्ड कर सको। सर, ना ही मैं गरीब हूँ और ना ही मैं कंजूस। सर, आप मेरी सिचुएशन जाने बिना मेरा मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम ऐसा कर सकती हो। मतलब सर? मतलब ये कि निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम किस तरह हर रोज उसका मजाक उड़ाती हो, कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके खाने पर। क्या तुम्हें उसकी सिचुएशन पता? बचपन में ही उसके पापा गुजर गए, उसकी मां ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है, जो आज खुद कैंसर से जूझ रही है। उसकी एक छोटी बहन है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर। शायद यही वजह है कि वो अपने शौक मारकर अपनी सारी सैलरी गांव भेजती है, ताकि उसकी मां का इलाज हो सके, उसकी बहन स्कूल जा सके। समझी तुम? I am extremely sorry, sir. Sir, मुझे इन सब बातों की कोई नॉलेज नहीं थी। श्वेता, माफी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, जाके निशा से मांगो। देखो श्वेता, जैसा हम सोचते हैं ना, जिंदगी वैसे नहीं होती। जिंदगी ठीक इसके ऑपोजिट है। लेकिन तुम्हें तो ये तब समझ में आएगा ना जब तुम हर तरह के लोगों के साथ उठोगी, बैठोगी, बात करोगी। देखो श्वेता, अगर आज के बाद कभी भी कहीं ऐसा होता हुआ देखो ना, जो यूजुअली हमारी लाइफ में नहीं होता है, तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करना, तुम्हें जिंदगी की और भी बहुत सारी नई बातें समझ में आएंगी। तुम निशान रॉली, सॉरी, मुझे अभी बॉस ने तुम्हारी फैमिली की कंडीशन के बारे में सब कुछ बताया। मैंने हमेशा तुम्हारा बिना सोचे समझे मजाक उड़ाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। श्वेता, माफी मत मांगो, तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज हो गई, मेरे लिए यही काफी है। बस कभी किसी का मजाक मत बनाना। मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और
कल से हम लंच साथ में करेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।